सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का जो पार्ट टू है उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। ये टॉपिक है, ये सिर्फ JKSSB फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का टॉपिक है, इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। हमने इसको अच्छे से पढ़ा, डिटेल में पढ़ा, फर्स्ट पार्ट इसका कर लिया है और सेकेंड पार्ट पर आज हम फोकस करेंगे, जिसको आज हम इसी वीडियो में उसको कम्प्लीट करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और थोड़े टाइम के बाद आपको PDF ही इसका मिल जाएगा टेलीग्राम पे, कंपाइल PDF। और कमेंट ज़रूर करें PDF के लिए, अच्छा लगता है आपके कमेंट पढ़ के, और लाइक ज़रूर करें। और पुण्य का काम है, अगर आपको करना है तो वीडियो को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स में जो भी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की प्रिपरेशन कर रहा है। सो गाइस, एक बात मैं आपको बता दूँ, जो इसका नेक्स्ट पार्ट होगा, आने वाला है, वो आपका पार्ट थर्ड होगा, जिसमें हम MCQs करेंगे। MCQ सेशन होगा पार्ट थर्ड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पर। ट्राई करेंगे मंडे तक उसका वीडियो आप तक पहुंचाए, अच्छी बात है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करेंगे कल शाम तक पहुंचाएगा, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पार्ट फर्स्ट भी पढ़ना है। अगर आपने अभी तक पार्ट फर्स्ट नहीं पढ़ा है, सेकेंड जो अब हम पढ़ाने जा रहे हैं, इसको भी आपने देखना है अच्छे से। सो गाइस, अगर आप चैनल पर न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आने वाली कोई भी न्यू वीडियो की अपडेट हो JK प्रैक्टिस की तरफ से आप तक सबसे पहले पहुंचे। और JKSSB के रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन रहती है तो उसकी भी अपडेट आपको मिलती रहेगी हमारे चैनल से, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं पार्ट टू आज का, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया, इकोनॉमिक्स का टॉपिक। तो फ्रेंड्स, जैसा कि सबको पता है कि कल तक हमने पढ़ा था मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में, ठीक है। ये तो मॉनेटरी पॉलिसी आपका एक टॉपिक है, तो आई होप आपने ये सबने पढ़ लिया हो। नहीं पढ़ा है तो उसके भी कमेंट करें, तो इसका भी वीडियो लेके आ जाएंगे हम आपके लिए नोट्स। नेक्स्ट वीडियो किस पे आना है हमारा, थ्योरेटिकल पार्ट इकोनॉमिक्स का, तो वो हम आपको बता देंगे। तो चलिए देखिए, सबसे पहले द प्रोसेस ऑफ रिफॉर्म्स इन इंडिया हैज़ टू कम्प्लीटेड बाय थ्री अदर प्रोसेस, नेमली, जैसा कि प्रीवियस वीडियोज में हमने पढ़ा था कि किस तरह से इकोनॉमिक रिफॉर्म लाए गए इंडिया में, और इकोनॉमिक रिफॉर्म लाने के पीछे वजह क्या थी, ये चीज़ें भी हमने पढ़ ली हैं। अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, तो उसके बाद ही ये पार्ट देखें, क्योंकि आपको ऐसी चीज़ें समझ नहीं आएंगी। अगर MCQs की वीडियो होती तो कोई बात नहीं। तो प्रोसेस ऑफ रिफॉर्म्स इन इंडिया हैज़ टू कम्प्लीटेड बाय थ्री अदर प्रोसेस। जो इकोनॉमिक का रिफॉर्म्स का जो प्रोसेस था, वो तीन कैटेगरी में डिवाइड था। एक तो लिबरलाइजेशन था, दूसरा प्राइवेटाइजेशन था, और आपका ग्लोबलाइजेशन था, ठीक है। अब लिबरलाइजेशन में क्या हुआ, प्राइवेटाइजेशन में क्या हुआ, और ग्लोबलाइजेशन में क्या हुआ, धीरे धीरे पढ़ते हैं। एक चीज़ है यहाँ पे, इसको नोट डाउन कर लें अगर आपने नोट्स बनाने हैं, क्योंकि PDF से तो आप पढ़ ही लोगे, बट नोट्स भी इंपॉर्टेंट रहते हैं। लिबरलाइजेशन शो द डायरेक्शंस ऑफ रिफॉर्म, ठीक है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकता है, JKSSB इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकती है कि कौन सा जो इनका प्रोसेस था, इनके तीन प्रोसेस थे, कौन सा इनका ऐसा प्रोसेस था जिसने डायरेक्शन दी थी रिफॉर्म को, तो दोस्तों वो था आपका लिबरलाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर बात आती है कि कौन सा प्रोसेस था जिसने पाथ दिखाया रिफॉर्म को, यानी कि एक वे दिखाया, रास्ता दिखाया रिफॉर्म्स को, वो था आपका प्राइवेटाइजेशन, ठीक है। उसके बाद शोज द अल्टीमेट गोल ऑफ द रिफॉर्म, डिफरेंट गोल दिखाए गए रिफॉर्म को, किसकी तरफ से, ग्लोबलाइजेशन से, ये तो आपको याद रहेगा, गोल यानी कि ग्लोबलाइजेशन। पाथ किसने दिखाया, डायरेक्शन किसने दिखाई, याद रखना, एग्जाम में आता है। दोस्तों बात करते हैं लिबरलाइजेशन की। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है लिबर्टी, यानी कि हमें फ्रीडम था। अब बात करते हैं कि पहले पहले जो लिबरलाइजेशन पे क्या क्या चीज़ें हुई थी, उनके बारे में आपको बता दूं कि पहले यहाँ पे लाइसेंस का बड़ा कोटा चल रहा था, हर चीज़ के लिए लाइसेंस चाहिए था, कंपलसरी था, छोटे से छोटा काम करना पड़ता था तो लाइसेंस की ज़रूरत रहती थी, और प्राइवेट जो इकॉनमी थी उसको उठने नहीं दिया जाता था, प्राइवेट सेक्टर को मार थी बड़ी, उनका जो गियर था वो रिवर्स में था, ठीक है ना। इसको देखिए, इस पॉइंट को देखिए, यहाँ पे मीन्स इकॉनमी फ्री फ्रॉम डायरेक्ट और फिजिकल कंट्रोल्स इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट। जो रिस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट द्वारा लगाए गए थे इकॉनमी पर, इंडियन इकॉनमी पर, उनको इम्पोज कर, इनको एक्सपोज कर दिया गया,
ठीक है, यानी कि इकॉनमी फ्री हो गई थी, जो कि रिस्ट्रिक्शन लगाए थे गवर्नमेंट ने इंडियन इकॉनमी पर, उसके द्वारा फ्री हो गई। अब वो सर रिस्ट्रिक्शंस कौन कौन से थे, वो फिज़िकल और डायरेक्ट इम्पोज कौन कौन से कंट्रोल थे, उनके बारे में बात करते हैं बेटा। एक तो था इंडस्ट्रियल लाइसेंस सिस्टम, ठीक है, दूसरा था प्राइस कंट्रोल ऑन गुड्स, इम्पोर्ट लाइसेंस, एक्सचेंज कंट्रोल्स, इन्वेस्टमेंट रिस्ट्रिक्शन। देखिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए हमें लाइसेंस की ज़रूरत थी, दूसरा था प्राइस कंट्रोल ऑन गुड्स, ठीक है, इम्पोर्ट के लिए हमें लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती थी, एक्सचेंज कंट्रोल से हम कुछ भी एक्सचेंज इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते थे, उस पर भी हमें रोक बंदी थी बहुत ज़्यादा। इन्वेस्टमेंट रिस्ट्रिक्शन थे, हम पैसा नहीं इन्वेस्ट कर सकते थे, जहाँ से हमें फॉरेन करेंसी कहाँ से मिलती अगर ऐसा था। उसके बाद था कि डिक्रीज द ट्रेड्स ऑफ स्टेट इकॉनमी, डिक्रीज द स्टेट ये बता रहा है कि करंट में क्या हुआ जब लिबरलाइजेशन आया, उसमें क्या हुआ, उसके फीचर बता रहा है, ठीक है। ये फीचर बताया मैंने कि कौन कौन से यहाँ पे उन्होंने कंट्रोल्स लगाए हुए थे उन पे इकॉनमी में। डिक्रीजिंग द ट्रेड्स ऑफ स्टेट इकॉनमी एंड इंक्रीजिंग द ट्रेड्स ऑफ मार्केट इकॉनमी, यानी कि यहाँ पे स्टेट इकॉनमी का जो रोल था वो डिक्लाइन करने लगा जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, यानी कि लिबरलाइजेशन आया, स्टेट इकॉनमी फॉल करने लगी और मार्केट इकॉनमी में ग्रोथ देखने को मिली, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट थी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। फ्रेंड्स बोल रहा है कि इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन ने रिड्यूस कर दिया ऑब्स्टेकल को और कुछ रिस्ट्रिक्शन से, जो कि इकोनॉमिक जो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन के उनको ख़त्म कर दिया, बट कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ प्राइवेट इकॉनमी चल रही थी, कुछ रिस्ट्रिक्शन थे, ऐसा नहीं कि टोटली फ्री कर दिया था, बट ऐसा कुछ नहीं था जितने रिस्ट्रिक्शंस पहले थे, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसलिए रिस्ट्रिक्शंस रखे थे, वो नहीं चाहती थी कि हम फिर से हमारी कंट्री में फिर से कोई आके रूल करने लगे, इसलिए उसको ये डर बना हुआ था। जब उन्होंने वर्ल्ड बैंक और IMF से लोन लिया, कितना का लोन था ये आपको याद होना चाहिए, $7 बिलियन का लोन था। जब उन्होंने एक एग्रीमेंट के साथ जब लोन दिया था, उन्होंने बोला कि अपने इकॉनमी में कुछ पॉलिसीज लाइए, तो वो पॉलिसी यही थी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 की। उसके बाद देखिए मैयर रिलेटिंग टू द लिबरलाइजेशन, ठीक है, क्या क्या हुआ जब लिबरलाइजेशन आया, ठीक है। एक तो एबोलिशन हो गया इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग का और रजिस्ट्रेशन का, जब भी हमें कोई इंडस्ट्रीज का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था उसके लिए हमें लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती थी। नेक्स्ट में मैं बताऊंगा, अभी अभी बता दूंगा कि लाइसेंस की ज़रूरत किस किस के लिए अब पड़ी जब लिबरलाइजेशन आया, ठीक है। उसके बाद MRTP देना पड़ता था, एक्ट था, उसको ख़त्म कर दिया गया, ये उन कंपनी को देना पड़ता था जिनका एसेट 100 करोड़ से ज़्यादा होता था, ठीक है। MRTP जिसकी फुल फॉर्म होती है मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, ठीक है, फ्रीडम ऑफ एक्सपेंशन एंड प्रोडक्शन, इंडस्ट्रीज को बढ़ाया नहीं जाता था, प्रोडक्शन नहीं कर सकते थे, अगर सेटअप तो हो जाती बट इतना फ्रीडम नहीं था इंडस्ट्रीज को। ज़रूरी नहीं है कि इंडस्ट्रीज एक भी नहीं थी, इंडस्ट्रीज तो थी बट उनको बहुत ही प्रॉब्लम फेसेस करनी पड़ती थी रिलेटेड टू गवर्नमेंट कंट्रोल्स, ठीक है, जो रिस्ट्रिक्शंस थे उनके। इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट लिमिट ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री, अब स्मॉल इंडस्ट्रीज थी वो भी इन्वेस्टमेंट कर सकती थी 5 करोड़ से भी ऊपर, ठीक है। उसके बाद आया फ्रीडम टू इंपोर्ट कैपिटल गुड्स, मशीन एंड रॉ मटेरियल्स, अब हम कहीं से भी बाहर से कुछ मंगवा सकते हैं, मशीन मंगवा सकते हैं अमेरिका से, रॉ मटेरियल्स कच्चा माल मंगवा सकते हैं, फ्रीडम टू इम्पोर्ट टेक्नोलॉजी, IT मंगवा सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें, कंप्यूटर, ठीक है, जिसके कारण डिजिटल इंडिया बनेगा। टैक्स रिफॉर्म आल्सो रिड्यूस, टैक्स थे रिड्यूस कर दिए गए, ऐसा नहीं कि टैक्स ख़त्म कर दिए गए, रिड्यूस किए थे, ख़त्म नहीं हुए थे, ठीक है। फ्री डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट, अब बैंक थे RBI था, इंटरेस्ट रेट उनका ज़्यादा था, उस पर भी उनको थोड़ा राहत मिली। प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया गया, इंट्रोड्यूस मोर कंपटीशन इनटू द इकॉनमी, और कंपटीशन इंट्रोड्यूस किया गया इकॉनमी में,
रेगुलेट किया गया इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को, जिसके कारण फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी हुआ, रिड्यूस द डेब्ट बर्डन ऑफ ए कंट्री, जो कंट्री के ऊपर हमारा बर्डन था, जो लोन लिए थे कंट्री ने, इंडिया ने, उनको भी रिड्यूस किया गया। अब बात आती है कि लाइसेंस किसके लिए ज़रूरतमंद था। लाइसेंस था दोस्तों लिक्विड के लिए, सिगरेट के लिए, डिफेंस इक्विपमेंट के लिए, डेंजरस केमिकल के लिए और ड्रग्स के लिए, इन इन चीज़ों के लिए जो लाइसेंस की ज़रूरत पड़ी इंडस्ट्रीज़ को, ठीक है, जैसे कि शराब बनाने की इंडस्ट्रीज, ठीक है, सिगरेट बनाने वाले होगी, डिफेंस इक्विपमेंट होगी, डिफेंस इक्विपमेंट होगी जो कि हथियार होते हैं, ठीक है, असला, डेंजरस केमिकल, ड्रग्स बनाने के लिए, ठीक है, इन चीज़ों की ज़रूरत थी। बट जो छोटी मोटी इंडस्ट्रीज, छोटी मोटी तो मतलब कि जो बिस्किट्स वगैरह इस तरह की इंडस्ट्रीज थी, इनको नहीं इतना फेस करना पड़ता था, ठीक है। लाइसेंस तो सबके होते हैं, बट वो कुछ उस टाइम ज़्यादा ही रिस्ट्रिक्शन रखे थे इन्होंने। अब बात करते हैं प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन में डी नेशनलाइजेशन का रोल बहुत ज़्यादा था। डी नेशनलाइज क्या होता है? नेशनलाइज होता है कि जब कोई चीज़ प्राइवेट से गवर्नमेंट हो जाती है, उसको बोलते हैं नेशनलाइज्ड होना, ठीक है, जैसे कुछ बैंक्स होते हैं, ठीक है। रोल ऑफ आरबीआई आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, उसमें आपने पढ़ा होगा कि किस तरह से स्टेट बैंक था जो, सॉरी आरबीआई था, किस तरह से वो नेशनलाइज्ड हुआ। कमेंट करें कब नेशनलाइज्ड हुआ था। चलिए इसको पढ़ते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल्स ऑफ द पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस टू द प्राइवेट सेक्टर। देखिए कुछ कुछ सेक्टर थे, पब्लिक सेक्टर थे, जिन पे गवर्नमेंट का कंट्रोल था, उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया प्राइवेट सेक्टर के लिए, ठीक है। पहले थे, ऐसी बात नहीं है, पहले थे, बड़े कम थे, बिल्कुल नहीं थे, ठीक है, ज़्यादा नहीं, 1% होंगे, 2% होंगे। अब कुछ चीज़ें थी जो दे दी गई प्राइवेट सेक्टर को, जैसे कि मैं एग्जांपल दे दूँ आपको, जैसे इंडियन रेलवे है, प्राइवेट हो गई अब, ठीक है। अब लाइट है, लाइट के लिए बोले प्राइवेट है, जो जल शक्ति सप्लाई वाला जो पानी है, घरों में ट्यूबवेल लगे हैं, उन पे भी आजकल प्राइवेट हो जाएंगे वो, ठीक है ना, बोले मीटर वगैरह उनके थ्रू पानी दिया जाएगा। तो ये सारा कुछ प्राइवेटाइजेशन के अंडर आता है, ठीक है। किस तरह से उन्होंने ये चीज़ें प्राइवेट की, इलेक्ट्रिसिटी को प्राइवेट कर दिया, अब इंडियन रेलवे को कर दिया। अब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको प्राइवेटाइज करेंगे, जिसके कारण हमारी इकॉनमी ग्रोथ करेगी। बट कुछ कुछ सोचें ऐसी होती हैं हमारे सोसाइटी में, हमारी कंट्री में, जो बोलते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए इन्हीं चीज़ें, एक बात तो सही है, चलो माना प्राइवेटाइजेशन कर दो, प्राइवेटाइजेशन तो कर दी, पर जो पर्सन जिसकी फैमिली का टोटली अनएम्प्लॉयड फैमिली होगी, कुछ है हमारे इंडिया में, ऐसी बात नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट तो बहुत ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयड फैमिलीज हैं, वो कहाँ से रेंट पे करेंगी बिजली का और पानी का, बताइए। हमारे जम्मू कश्मीर में देख लीजिए, यहीं पे पता चल जाएगा, पूरी औकात यहीं पे खुल जाएगी। चलो हमें बाकी फालतू के टॉपिक नहीं डिस्कशन करने हैं, ठीक है। डी नेशनलाइज कर दिया गया इनको, ठीक, यानी कि गवर्नमेंट से प्राइवेट की तरफ फेंक दिया गया कुछ सेक्टर को, कुछ ऑनरशिप मैनेजमेंट को। प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर, इनका एक ही एम था, प्रोवाइडिंग ए स्ट्रॉन्ग बेस फॉर द इनफ्लो ऑफ FDI। FDI क्या होता है जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे, ठीक है। इनका एक ही एम था कि स्ट्रॉन्ग बनाना है बेस फॉर द इनफ्लो ऑफ FDI। इनफ्लो ऑफ FDI इम्पॉर्टेंट है रिलेटेड टू प्राइवेटाइजेशन, क्योंकि ये जो FDI था ना, इनफ्लो ऑफ FDI, ये इंक्रीज करता था फिनेंशियल स्ट्रेंथ इकोनॉमी की, ठीक है, इकोनॉमी की फिनेंशियल स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने को लगा हुआ था, ठीक है। इनफ्लो ऑफ FDI के बारे में जल्दी से कमेंट कर दें, गूगल पे जाएं जल्दी से। कुछ कारण तो रहे थे प्राइवेटाइजेशन होने के, जी सर रहे होंगे, चलिए देख लेते हैं, लास्ट लेक्चर है, बोर मत होना। गवर्नमेंट कंपनी थी उनको ट्रांसफ़र कर दिया, ये मैंने बता दिया प्राइवेट सेक्टर में, दो तरीकों से, एक तो ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप, दूसरा डिसइन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट कंपनीज कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्राइवेट कंपनीज इन द फॉलोइंग टू वेज, इसमें भी दो पार्ट हैं इसके, विदड्रॉ ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ऑनरशिप मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनी, एक तो विदड्रॉ कर दिया गया, दूसरा एक ही उनका था, पर्पस था कि पब्लिक सेक्टर, कुछ पब्लिक सेक्टर को, कुछ पब्लिक सेक्टर थे उनको सेल कर दिया गया, ठीक है, याद रखना, कुछ को विदड्रॉ कर दिया गया और कुछ से आउटराइट सेल कर दी गई,
पब्लिक सेक्टर की जो कंपनीज थी, ठीक है। उसके बाद आता है आपका डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट क्या कहता है दोस्तों, ये विड्रॉ करने का रीज़न क्या था कि कुछ आपने देखा होगा, कुछ डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट के होते हैं, बस पेमेंट सैलरी मिल रही है मंथली, बट काम नहीं कर रहे हैं कुछ भी, ठीक है। लोगों जब प्राइवेटाइजेशन हो जाती है तो आपको पता है काम के ही पैसे मिलते हैं, तो काम ज़्यादा होगा पैसा भी मिलेगा, काम नहीं होगा तो पैसा कहाँ से मिलेगा। बाकी जब मेरी बात सुनो, जब गवर्नमेंट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में जब रोल था इनका, कोई भी आप इलेक्ट्रिसिटी लगा दो, ट्रेन लगा दो, आप वाटर सप्लाई वाला लगा दो, और भी जो कुछ होंगे उनको लगा दो, कुछ इंडस्ट्रीज वगैरह भी होंगी लगा दो उनको सबको। यार अगर यहाँ पे बंदा है इंडस्ट्रीज में लगा हुआ है, गवर्नमेंट के अंडर है कोई इंडस्ट्री, ठीक है, यहाँ पे लगा है, उसकी मंथली इनकम है यहाँ पे 20K, 20,000 रुपये उसकी इनकम है मंथली की, वो गवर्नमेंट पे, वो आएगा बैठेगा काम कम करेगा चला जाएगा, मंथली इनकम उसको मिलेगी। अब क्या था, क्या हो गया, जो प्राइवेट सेक्टर में चलेगी तो इनको यहाँ पे 8-8, 9 घंटे काम करना पड़ेगा, फिर जाके इनको इनकी इतनी सैलरी मिलेगी, ठीक है, शायद इससे भी कम मिले, 18K तक मिले। तो पहले क्या था कि गवर्नमेंट सिर्फ सैलरी देती जाती थी, आउटपुट कुछ नहीं थी, सिर्फ जा रहा था आ कुछ नहीं रहा था, ये भी एक मेजर रोल था प्राइवेटाइजेशन होने का। प्राइवेटाइजेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बाय द सेलिंग ऑफ पार्ट्स ऑफ द इक्विटी ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग टू द प्राइवेट सेक्टर इज नोन एज दिस इन्वेस्टमेंट। प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बाय द सिटिंग सेलिंग, कुछ पार्ट से जो इक्विटी के थे इनके, उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को भी सेल कर दिया, जिसको डिस इन्वेस्टमेंट होगी, ठीक है। पर्पस ऑफ सेल इज मेनली टू इम्प्रूव द फाइनेंशियल डिसिप्लिन ऑफ फैसिलिटेट द मॉडर्नाइजेशन। पर्पस एक ही था उनका सेल करने का, मॉडर्नाइजेशन लानी है और फाइनेंशियल डिसिप्लिन को इम्प्रूव करना है, ठीक है। उसके बाद efficiency of public sector undertaking is improved by giving them to the autonomy to make the decisions। यानी कि efficiency की जो public sector undertaking की improved कैसे हुई, जब इनको autonomy, यानी कि जो इनके बड़े जो private sector के कार्यकर्ता थे, बड़े बड़े होते हैं जो, उन्होंने decision लिया इन पर और वो इनको अच्छे से इनका utilize, इनका अच्छे से use करने लगे और आउटपुट प्रोडक्शन वगैरह सब कुछ अच्छे से होने लगा, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ करेगी। नेक्स्ट आता है हमारा ग्लोबलाइजेशन, माई टॉपिक रखे हैं, बाकी इसको लर्न नहीं करना है जो मैं पढ़ा रहा हूँ। इंटीग्रेटिंग द इंडियन इकॉनमी विद द वर्ल्ड इकॉनमी, यानी कि इंटीग्रेट करेगा इंडियन इकॉनमी को वर्ल्ड इकॉनमी के साथ, यानी कि जो हमारी इंडियन इकॉनमी थी वो इंटीग्रेट होगी किसके साथ, वर्ल्ड इकॉनमी के साथ, ठीक है। जैसे मैं एग्जाम्पल दे दूँ, ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये था, ये आपका घर है, ठीक है, ये आपका घर है और ये आपके पड़ोसियों का घर है यहाँ पे, ठीक है, ये आपके पड़ोसियों के घर है यहाँ पे आ गए, ये 3-4 पड़ोसियों के घर हैं और भी छोटे छोटे यहाँ पे होंगे। अब क्या था, आपके बीच में ऐसे एक दरार थी, दरार क्या थी, एक लाइन थी, ग्लोबलाइजेशन के बारे में बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, दरार थी, आपके पेरेंट्स ने आपको बोला कि आप इनके घर नहीं जाओगे, इनसे आपका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, ना इनके घर से कुछ लाना है, ना इनको कुछ देना है, ना इनके घर जाना है, ना इनके घर का कोई बंदा यहाँ पे आएगा, क्यों, इनको डर था हमारे घर पे कोई कब्जा ना कर दे, ठीक है, ये चीज़ थी। अब ये चीज़ यहाँ पे होगी, इंटीग्रेट कर दिया इनको, यानी कि ये इंडियन इकॉनमी थी और ये वर्ल्ड इकॉनमी थी, ठीक है, अब यहाँ पे इंटीग्रेट हो गया, यानी कि इंडियन इकॉनमी अब यहाँ पे जा सकती है अच्छे से और आ भी सकती है, कुछ ला भी सकती है, कुछ दे भी सकती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों कर सकती है। तो यही सिस्टम था, अब आप पड़ोसियों के घर पे आ भी सकते थे और जा भी सकते थे, घर वालों ने आप पे जो रिस्ट्रिक्शन लगाए थे उनको रिमूव कर दिया, ये मतलब था ग्लोबलाइजेशन का इन इजी वे में, ठीक है। अंडर द कंडीशंस ऑफ फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड एंड कैपिटल एंड मूवमेंट ऑफ पर्सन अक्रॉस द बॉर्डर, यानी कि इस कंडीशन के अंदर क्या हुआ कि लोग थे जो हमारे इंडिया के, फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड करने लगे और कैपिटल को मूवमेंट करने लगे, पर्सन अक्रॉस द बॉर्डर, यानी कि जा भी सकते थे और आ भी सकते थे, ठीक है, वर्ल्ड अदर कंट्रीज में। इंक्रीज इन इक्विटी, इक्विटी का इंक्रीज हो गया, लिमिट फॉरेन इन्वेस्टमेंट की इंक्रीज होगी, पार्शियल
कन्वर्टिबिलिटी होगी, यानी कि आप फॉरेन एक्सचेंज से सर इन्वेस्टमेंट करोगे, आपको फॉरेन की करेंसी देखने को मिलेगी। लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी, ओपन कंपटीशन इंक्रोज्ड हो गया, यानी बताया मैंने आपको, रिडक्शन टैरिफ्स, कस्टम ड्यूटीज वैसे टैक्स थे जिनका थोड़ा रिडक्शंस हो गया, रिमूव तो टोटली नहीं हुए थे। चलिए नेक्स्ट, चलिए ये हमारा लास्ट है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन जैसे लगा, ग्रोथ मिली फॉरेन इन्वेस्टमेंट में, फील्ड ऑफ कॉरपोरेट में, रिटेल साइंटिफिक सेक्टर में, आईटी में और ट्रांसपोर्टेशन में भी, जब हमारा ग्लोबलाइजेशन आया। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में कैसे है, कुछ चीज़ें आपको पता ही है कि कुछ चीज़ें हमें फॉरेन से मंगवानी पड़ती है, ठीक है ना। इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, कंपनसेशन बढ़ा, ठीक है ना। अब हम कुछ चीज़ें थी जो बाहर की कंट्री के साथ कंपेयर कर सकते थे, ये मेरे पास ये है, जैसे आपके पास सैमसंग का फ़ोन है, ठीक है, पड़ोसियों के पास, आपके पास सैमसंग का 15,000 का फ़ोन है, पड़ोसियों के पास रेडमी का 10,000 का फ़ोन है, आप उनसे कंपनसेशन कर सकते हो कि मेरे पास सैमसंग का 15,000 का फ़ोन है, आपके पास रेडमी का फ़ोन है, ठीक है। इस तरह से हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो गया उस टाइम, और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का भी रोल यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहा था ग्लोबलाइजेशन में। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंडिया यहाँ पे होता है ख़त्म। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लाएंगे आपके लिए MCQs, और अगर आपने थ्योरेटिकल पार्ट अच्छा लगा तो कमेंट करें, PDF के लिए लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना और कमेंट भी ज़रूर करना, और वेट करेंगे आपके कमेंट का। तो गाइस, आप हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर सकते हो, उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जैसे कि फेसबुक ग्रुप हो गया, इंस्टाग्राम होगी, टेलीग्राम हो गया, और पर्सनली FB पे भी आप मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, कोई भी आपको क्यूरी रिलेटेड होगी एग्ज़ाम के। सो ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर। अगर आपका कोई भी, आप चाहते हो कि हमें ये वाला टॉपिक प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि हम ज़्यादा फोकस करने जा रहे हैं MCQs पे, इकोनॉमिक्स का मैं आपको बता दूँ, इकोनॉमिक्स का हम जल्द ही हम इकोनॉमिक्स का एक सैम्पल पेपर लेके आएंगे, टोटली 10 मार्क्स का, तो जिसमें आपका लेवल चेक किया जाएगा कि आपका इकोनॉमिक का स्कोर कितना है। ओके गाइस, अगर आप मेरी इस बात से सहमत हो तो डू कमेंट कि आपको सेक्शनल पेपर प्रोवाइड करें या ना करें, करना तो पड़ेगा ही।